हेलो चिल्ड्रन, नमस्कार गार्जियंस। मैं उमेश सेनरा आपके सामने इंग्लिश ग्रामर की वीडियो नंबर 6 यानी लेक्चर नंबर 6 लेकर के आपके सामने उपस्थित हूँ। इससे पहले हम 5 लेक्चर्स और भी कर चुके हैं, उनमें हमने क्या किया है। लेक्चर नंबर 1 में पार्ट्स ऑफ टेंसेस, लेक्चर नंबर 2 में हमने पहचान बताई किस टेंस की क्या पहचान है, उनके पार्ट्स ऑफ टेंस की क्या पहचान है। लेक्चर नंबर 3 में हमने यूज ऑफ वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बारे में बातचीत की। लेक्चर नंबर 4 में यूनिवर्सल रूल ऑफ ट्रांसलेशन के बारे में बातचीत की, और लेक्चर नंबर 4 में ही हमने ट्रांसलेट करना सीखा इनडेफिनिट सेंटेंसेस को। इनडेफिनिट से मतलब प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, तीनों ही इनडेफिनिट सेंटेंसेस को। और लेक्चर नंबर 5 में हमने कंटिन्यूअस सेंटेंसेस को चेंज करना सीखा। लेक्चर के दौरान मैं दोनों ही लैंग्वेज यूज करूंगा, हिंदी और इंग्लिश, क्योंकि हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन हम लोग कर रहे हैं और ये इंग्लिश ग्रामर की सीरीज का 6th लेक्चर है। अवर यूट्यूब चैनल, एज यू नो, दिस इज सेंड्रा एडवांस एजुकेशन, एंड आज हम पढ़ रहे हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस के जो सेंटेंसेस हैं उनको किस तरीके से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। परफेक्ट कंटिन्यूअस, इस टेबल पर जरा ध्यान दें। पहले भी मैं इसको पढ़ा चुका हूँ, लेकिन एक बार हल्का सा ओवरव्यू इसका एक बार मैं आपको देता हूँ। मैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात कर रहा हूँ। इसकी पहचान होती है बाद में रहा है, रही है, रहे हैं। प्रेजेंट कंटिन्यू परफेक्ट कंटिन्यूअस में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की पहचान होती है रहा था, रही थी, रहे थे। वहीं पर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की होती है रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैज बीन, हैव बीन का यूज होता है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज बीन का प्रयोग होता है, वहीं प्लूरल सब्जेक्ट और आई के साथ हैव बीन का यूज होता है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में सभी सब्जेक्ट्स के साथ हैड बीन का यूज होता है, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में आई वी के साथ शैल हैव बीन, बाकी सबके साथ विल हैव बीन का यूज होता है। वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगती है, तीनों ही पार्ट ऑफ टेंसेस में। इनमें सिंस, बाय और फॉर का प्रयोग टाइम के लिए होता है, सिंस का प्रयोग निश्चित समय के लिए होता है, वहीं फॉर का प्रयोग अनिश्चित समय के लिए होता है। यानी सिंस का प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है और फॉर का प्रयोग पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। वहीं फ्यूचर्स परफेक्ट कंटिन्यूअस में सिंस का प्रयोग ना हो करके बाय का प्रयोग होता है, जबकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में सिंस और फॉर का प्रयोग होता है। परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैज बीन, हैव बीन फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, सिंस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए एंड फॉर टाइम ड्यूरेशन यानी पीरियड ऑफ टाइम के लिए। पॉइंट ऑफ टाइम क्या है यानी निश्चित समय कौन कौन से हैं। जैसे अगर मैं कहूँ 1 बजे से, तो ये निश्चित समय है, और अगर मैं कहूँ 1 घंटे से, तो ये ड्यूरेशन ऑफ टाइम है, पीरियड ऑफ टाइम है, ये अनिश्चित समय है। अगर मैं कहूँ 1990 से, तो ये पॉइंट ऑफ टाइम है। अगर मैं कहूँ 20 साल से, तो ये अनिश्चित समय है, ये पीरियड ऑफ टाइम होता है। 2 दिन से पीरियड ऑफ टाइम यानी फोर का प्रयोग होगा, वहीं मंडे से तो निश्चित समय हो गया है, वो पॉइंट ऑफ टाइम है, तो सिंस का यूज होगा। वहीं मॉर्निंग से यानी सुबह से सिंस मॉर्निंग लगेगा, शाम से सिंस इवनिंग लगेगा, इस तरीके से मॉर्निंग, आफ्टरनून और ये सब सिंस का यानी निश्चित समय माने जाते हैं। फ्यूचर में सिंस के प्रयोग की जगह बाय का प्रयोग होता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, और अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग होता है। अब हम बात करते हैं असर्टिव सेंटेंस की यानी पॉजिटिव सेंटेंसेस की। इसमें हम तीनों ही पार्ट ऑफ टेंसेस को एक 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 साथ ही लेकर के चलेंगे। पहला सेंटेंस है, मैं अपने भाई के साथ 1 घंटे से क्रिकेट खेल रहा हूँ। अगर इसमें से 1 घंटे से इस टाइम ड्यूरेशन को निकाल दिया जाए, तो ये सेंटेंस हो जाता है, मैं अपने भाई के साथ क्रिकेट खेल रहा हूँ। ये अब कंटिन्यूअस सेंटेंस हो गया है, कंटिन्यूअस टेंस हो गया है। और अगर मैंने इसके साथ टाइम ड्यूरेशन जोड़ दिया है, पॉइंट ऑफ टाइम जोड़ दिया है, यानी समय की बात करूंगा, तो ये परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाता है। ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। वहीं दूसरा सेंटेंस है, मैं अपने भाई के साथ 1 बजे से क्रिकेट खेल रहा था, ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस सेंटेंस है।
मैं अपने भाई के साथ 1 बजे तक क्रिकेट खेल रहा हूँगा, ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस है। और किसी भी सेंटेंस को ट्रांसलेट करने का जो नियम है, बिल्कुल वो यूनिवर्सल नियम, जो रूल है वो यही है। सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड्स लगते हैं। इन तीनों सेंटेंसेस में सब्जेक्ट आई है, हेल्पिंग वर्ब, हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन, शैल हैव बीन, विल हैव बीन लगेंगे, यानी प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर के हिसाब से अपने आप हमें देख करके लगानी है कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी। वर्ब इसमें तीनों ही सेंटेंस में प्ले यानी खेलने के लिए खेलना है, ऑब्जेक्ट क्रिकेट है। अदर वर्ड्स अपने भाई के साथ, विद माई ब्रदर। अब इनको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। पहला है, मैं अपने भाई के साथ 1 घंटे से क्रिकेट खेल रहा हूँ, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का है और हेल्पिंग वर्ब इसमें हैव बीन या हैज बीन लगेगी। अब सब्जेक्ट क्या है, आई, आई के साथ हैव बीन का प्रयोग होता है, तो आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट विद माई ब्रदर फॉर 1 आवर, 1 घंटे से। इसमें फॉर का यूज हुआ है क्योंकि ये पीरियड ऑफ टाइम इसमें दिया हुआ है। मैं अपने भाई के साथ 1 बजे से क्रिकेट खेल रहा था, तो इसका क्योंकि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का है, हेल्पिंग वर्ब इसमें हैड बीन लगेगी, और ये जब इंग्लिश में ट्रांसलेट हम करेंगे तो ये हो जाएगा, आई हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट विद माई ब्रदर सिंस 1 o'clock, 1 बजे से। तो सिंस पॉइंट ऑफ टाइम है, सिंस का यूज यहाँ पर किया गया है। मैं अपने भाई के साथ 1 बजे तक क्रिकेट खेल रहा हूँगा, फ्यूचर की बात है, शैल हैव बीन और विल हैव बीन हेल्पिंग वर्ब के तौर पर लगेंगे, और ये हो जाएगा आपका, आई शैल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट विद माई ब्रदर बाय 1 o'clock। यहाँ बाय का प्रयोग किया गया है। बाय का प्रयोग क्यों किया गया है, क्योंकि फ्यूचर में निश्चित समय के लिए बाय का प्रयोग होता है, सिंस का प्रयोग नहीं होता है। अब बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की। अगर सेंटेंस एनी सेंटेंस में नहीं लगा दिया जाए तो ये नेगेटिव हो जाएंगे। मैं अपने भाई के साथ 1 घंटे से क्रिकेट नहीं खेल रहा हूँ, मैं अपने भाई के साथ 1 घंटे से क्रिकेट न 1 बजे से क्रिकेट नहीं खेल रहा था, मैं अपने भाई के साथ 1 बजे तक क्रिकेट नहीं खेल रहा हूँगा। केवल इनमें नॉट या अगर कभी नहीं होता तो नेवर शब्द लग जाता, ठीक है। अब इनकी इंग्लिश जो बनेगी इनको ट्रांसलेट करेंगे, पहला सेंटेंस है, मैं अपने भाई के साथ 1 घंटे से क्रिकेट खेल रहा हूँ, तो सेंटेंस इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन होगा, आई हैव बीन, आई हैव नॉट बीन, क्योंकि नॉट लगेगा, आई हैव नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट विद माई ब्रदर फॉर 1 आवर। बिल्कुल पहले जैसा सारा सेंटेंस है, लेकिन इसमें नॉट लग गया है। मैं अपने भाई के साथ 1 बजे से क्रिकेट नहीं खेल रहा था, आई हैड नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट विद माई ब्रदर सिंस 1 o'clock। मैं अपने भाई के साथ 1 बजे तक क्रिकेट नहीं खेल रहा हूँगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस है, आई शैल नॉट हैव बीन, शैल या विल के तुरंत बाद नॉट लगेगा, फिर हैव बीन लगेगा, आई शैल नॉट हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट विद माई ब्रदर बाय 1 o'clock। अब बात करते हैं इसके आगे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, ऐसे सेंटेंसेस जिनमें क्या शब्द से कोई क्वेश्चन शुरू होता है। क्या आपका भाई 3 दिन से क्रिकेट नहीं खेल रहा है? क्या आपका भाई 1999 से क्रिकेट नहीं खेल रहा था? क्या आपका भाई 5 बजे तक क्रिकेट नहीं खेल रहा होगा? तो इन्हें बनाते समय क्या की अंग्रेजी तो लगती नहीं है, ऑलरेडी हमने पहले लेक्चर्स में भी ये पढ़ा है, क्योंकि अगर किसी सेंटेंस में क्या शब्द पहले आ जाए तो उसमें क्या की अंग्रेजी नहीं लगती, बल्कि पहले हेल्पिंग वर्ब लग जाती है और फिर सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, इसके बाद वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में हमेशा क्वेश्चन मार्क लगना अनिवार्य है, लगना चाहिए। क्या आपका भाई 3 दिन से क्रिकेट नहीं खेल रहा है? हैज योर ब्रदर नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 3 days? क्या आपका भाई 1999 से क्रिकेट नहीं खेल रहा था? हैड का प्रयोग करेंगे क्योंकि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, हैड योर ब्रदर नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 1999 क्वेश्चन मार्क। क्या आपका भाई 5 बजे तक क्रिकेट नहीं खेल रहा होगा? विल योर ब्रदर नॉट हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट बाई 5 o'clock? ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, यानी जो क्या से शुरू होते हैं। अब हम इंटरोगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं जिनमें क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है। क्या आपका भाई तीन दिन से क्रिकेट क्यों नहीं खेल रहा है? आपका भाई 1999 से क्रिकेट क्यों नहीं खेल रहा था?
आपका भाई 5 बजे तक क्रिकेट क्यों नहीं खेल रहा होगा, इस सेंटेंस में, इन सेंटेंस में नहीं नहीं दो बार लग गया है, तो ये एक ही बार है, आप एक ही बार लिखेंगे। क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड। सेंटेंस नंबर 1, आपका भाई 3 दिन से क्रिकेट क्यों नहीं खेल रहा है। व्हाई हैज योर ब्रदर, सबसे पहले व्हाई लगेगा क्योंकि क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले लगता है। क्वेश्चन वर्ड व्हाई, हैज योर ब्रदर नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 3 डेज, आपका भाई 1999 से क्रिकेट क्यों नहीं खेल रहा था। Why had your brother not been playing cricket since 1999? आपका भाई 5 बजे तक क्रिकेट क्यों नहीं खेल रहा होगा? Why will your brother not have been playing cricket by 5 o'clock? इस तरीके से हम इनको ट्रांसलेट करते हैं। दोबारा मैं आपको, इसमें एक मिस्टेक हो गई है, नहीं शब्द दो दो बार लग रहा है, वो केवल आपको एक ही बार अपने सेंटेंस लिखते समय लगाना है। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस जो हु से स्टार्ट होते हैं, जिनमें कौन शब्द होता है, कौन क्वेश्चन वर्ड होता है, वो कैसे बनते हैं? आपका भाई, आपके भाई के साथ 3 दिन से क्रिकेट कौन नहीं खेल रहा है? आपके भाई के साथ 1999 से क्रिकेट कौन नहीं खेल रहा था? आपके भाई के साथ 5 बजे तक क्रिकेट कौन नहीं खेल रहा होगा? इस तीन तीनों सेंटेंसेस में कौन शब्द आ रहा है, और इसको बनाते समय, ट्रांसलेट करते समय सबसे पहले हु वर्ड का प्रयोग किया जाता है, क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट इसमें होता नहीं है, हु वाले जितने भी क्वेश्चन जो सेंटेंसेस हैं इनमें सब्जेक्ट के बारे में पूछा जाता है, इसलिए इनमें सब्जेक्ट नहीं होता है और हु सब्जेक्ट का ही काम कर रहा होता है, ये आप समझ लें। तो हु हेल्पिंग वर्ब, नॉट वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स, इनको ट्रांसलेट करते समय आपके भाई के साथ 3 दिन से क्रिकेट कौन नहीं खेल रहा है? हु हैज नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट विद योर ब्रदर फॉर 3 डेज, आपके भाई के साथ 1999 से क्रिकेट कौन नहीं खेल रहा था? हु हैड नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट विद योर ब्रदर सिंस 1999, आपके भाई के साथ 5 बजे तक क्रिकेट कौन नहीं खेल रहा होगा? हु विल नॉट हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट विद योर ब्रदर बाय 5 o'clock। इस तरीके से हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस के डिफरेंस को समझा और इनके सेंटेंसेस को बनाया। ये केवल मैंने आपको एग्जाम्पल दिए हैं, बनाने का तरीका बताया है। एक्सरसाइज आप अलग से, आप अपने सेंटेंसेस लिखिएगा, कोई बुक ले लें, उससे आप सेंटेंस लिखें और उन्हें ट्रांसलेट करने की कोशिश करें। इस तरीके से हम हेल्पिंग वर्ब और वर्ब का यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। बच्चों अब हमारा टाइम है 10 वर्ब्स लर्न करने का, क्योंकि अगर हमारे वर्ब्स लर्न होंगी, उनके पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल लर्न होंगे, तभी हम कुछ अच्छे तरीके से जो हमारे सेंटेंसेस हैं उन्हें ट्रांसलेट कर पाएंगे। बीट पीटना, बीट बीटन, चूज चुनना, चोज चूजन, चाइट फटकारना, चिड चिडन, डू करना, डिड डन, ड्रा खींचना, डी ड्रॉन, ईट खाना, एट ईटन, फॉल गिरना, फेल फॉलन, फ्लाई उड़ना, फ्ली फ्लॉन, फॉरगेट भूलना, फॉरगॉट फॉरगॉटन, फ्रीज जमाना या जमना, फ्रॉज फ्रॉजन, दीज आर 10 वर्ब्स, इन्हें आप लर्न करेंगे। होमवर्क में मेक द अबाउट टेबल इन योर होमवर्क नोटबुक, जो ऊपर टेबल दी गई थी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की, इसको आप बनाएंगे अपनी होमवर्क नोटबुक में, और लर्न ऑल द 10 वर्ब्स, जो वर्ब्स हैं 10 की 10 वर्ब, वो आप लर्न करेंगे। जो सेंटेंसेस बनवाए हैं मैंने बताएं, उनको आप राइट अप करेंगे। इनसे मिलते मिलते जुलते आपको 10 10 सेंटेंसेस और बनाने हैं, ये आपका होमवर्क है। और इस कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, आप इस वीडियो को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब द चैनल ऑल्सो, सेलेक्ट ऑल बटन, डोंट फॉरगेट टू कमेंट योर व्यूज, फॉर एनी क्वेरी प्लीज राइट इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड, और बाकी इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे हमारी पहली वीडियोस के लिंक, आप उन्हें भी एंजॉय कर सकते हैं, उनसे भी आप सीख सकते हैं, क्योंकि हर एक लेक्चर पहली वीडियो से जुड़ा हुआ है। इसमें भी बहुत सी बातें ऐसी हैं जो पहली वीडियो से जुड़ी हुई हैं,
इसलिए वो वीडियो देखनी भी बहुत ज़रूरी है. थैंक यू वेरी मच अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड. हैव अ नाइस टाइम.